अपनी छोटी छोटी जीत से ज्यादा खुश मत होना सितारा, क्योंकि इस युद्ध में अंत में जीत सिर्फ और सिर्फ मेरी होगी। अपने खेल में खुद अपनी बाजी हारने वाले खेल जीतने की बातें नहीं किया करते। रुकिए, इस राजमहल की मालकिन और रानी होने के नाते हम ये आदेश देते हैं कि तुम तीनों अभी के अभी हमारा राजमहल छोड़कर चली जाएंगे, नहीं। थैंक गॉड भाभी, ये लोग यहां से चली गई। आप तो जीनियस हो भाभी, आपकी प्लानिंग एकदम परफेक्ट थी। सितारा, आज आपकी वजह से हमें हमारा घर वापस मिल गया। थैंक यू सो मच। रानी माँ, शुक्रिया कहकर मेरे फर्ज को शर्मिंदा मत कीजिए। ये महल सिर्फ आपका है और ये हक आपसे कोई नहीं छीन सकता। गुड मॉर्निंग कुंवर सा। गुड मॉर्निंग। आज आप बहुत फ्रेश लग रहे हो। या आज बहुत अच्छा लग रहा है, एकदम फ्रेश। कोई बॉडी एक नहीं है, कुछ वियर्ड नहीं लग रहा, सब कुछ एकदम अच्छा है। क्योंकि जहर का असर आपके शरीर से खत्म हो रहा है। ये सब नहीं जानता मैं, बस इतना जानता हूं कि एक नई लाइफ दी है तुमने मुझे। तुम नहीं होती ना तो जिंदा नहीं होता मैं अभी। मेरी सांसें, ये लाइफ तुम्हारी गिफ्ट है मेरे पास। इतना कुछ हो चुका है घर में, ऐसे में कोरसा के करीब जाकर मैं और कोई दिक्कत खड़ी नहीं करना चाहती। वो रानी माँ बुला रही है, देर हो रही है, ये सब बाद में। या सारी दुनिया के लिए टाइम है तुम्हारे पास, बस अपने हस्बैंड के लिए नहीं है। आपके साथ समय बिताने को तो पूरी जिंदगी पड़ी है, 2-3 घंटे से क्या फर्क पड़ता है। ओके, मैं ये संकल्प लेती हूँ, एक कुंवरसा के ठीक हो जाने के बाद और उन विष कन्याओं से आप सबको मुक्ति दिलाने के बाद मैं सितारा ये घर छोड़ के चली जाऊंगी। मैं चलती हूं। मैं हार गई मां, आपकी वृंदा हार गई। सितारा को मात देने की हर कोशिश नाकामयाब हो गई मां। अपने अंश से शिकस्त पाते पाते मैं थक गई हूं मां। अब मुझ में और हिम्मत नहीं है। अब हम विष्कन्याओं की इज्जत आपके हाथ में है मां। आपको हमारी लाज रखनी होगी मां।
अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आज मैं वृंदा, तो आज मैं वृंदा आपके सामने, आपके सामने अपने प्राण त्याग दूंगी, अपने प्राण त्याग दूंगी। अब इस बेइज्जती के साथ मैं नहीं जी सकती मां, आपको हमारी मदद करनी होगी मां। अनंतम वासुकीम शेषम पद्मनाभम च कंबलम। नहीं दीदी रुकिए, दीदी ये आप क्या कर रही हैं? दीदी मत करिए ऐसा, रुक जाइए दीदी, रोकिए इसे। विश कन्याएं हार नहीं सकती वृंदा, ये लड़ाई तुमने शुरू की पर इसे मैं खत्म करूंगी, वो भी तुम्हारी जीत से। दीदी दीदी उठे उठे, अब तो विराज को शक्तिशाली वीर पुरुष बनना ही होगा, नहीं तो मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। कन्या भोज कब है? यामिनी पद्मिनी याद रहे, अष्टमी की पूजा वैसे ही होगी जैसे हर साल होती है। जी भाभी साहब बिल्कुल वैसे ही होगी। भाभी साहब मैं सोच रही थी कि कल के शुभ दिन पर अगर अर्जुना सम्राट भी हमारे साथ होते तो कितना अच्छा होता ना, वो भी देवी माँ के आशीर्वाद ले लेते। आप सही कह रही है, पर वो जिस काम के लिए गए वो भी तो बहुत जरूरी है। सितारा ने वसीयत के कागजात तो वापस दिलवा दिए पर उन कागजात का कानूनी तौर पर रद्द होना बहुत जरूरी है। वो भले ही हमारे साथ नहीं है पर हमें यकीन है कि मां का आशीर्वाद उनके साथ है। आप देखना वो जरूर कामयाब लौटेंगे। रानी मां आपसे एक बात पूछूं? कहिए। मैं जानती हूं कि आप मुझे इस घर की बहू नहीं मानती और ये पूछने का मेरा हक भी नहीं है, पर क्या कल प्रसाद मैं बना सकती हूं? वो हर साल बाबा के साथ देवी माँ का प्रसाद मैं ही बनाती थी, इस बार नवरात्रि पे पूजा नहीं कर पाई, तो अगर प्रसाद बनाऊंगी देवी माँ के लिए तो ऐसा लगेगा कि जैसे मैंने माँ के लिए कुछ किया। ठीक है, कल का प्रसाद आप बनाइएगा। खुश रहिए। Thank you.